नमस्कार, बीबी न्यूज एलाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल, प्रस्तुत है आज के समाचार। इसरो चीफ डॉक्टर के सिवन ने लॉन्च की सफलता के बाद मिशन कंट्रोल सेंटर में मौजूद सभी वैज्ञानिकों को चंद्रयान 2 की बधाई दी। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हमारी उम्मीद से ज्यादा बेहतर है। इसरो का दूसरा मून मिशन यानी कि चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। चंद्रयान 2 22 जुलाई को दोपहर 2:43 पर देश के सबसे ताकतवर बाहुबली रॉकेट JSLV MK3 से लॉन्च किया गया। अब चांद के दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने के लिए चंद्रयान 2 की 48 दिन की यात्रा शुरू हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री ने भी मिशन पूरा होने पर वैज्ञानिकों को बधाई दी। राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान के बाद घाटी में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर में अगर किसी भी राजनेता या नौकरशाह की हत्या होती है तो इसका जिम्मेवार राज्यपाल सत्यपाल मलिक ही होंगे। आपको बता दें कि रविवार को राज्यपाल ने एक विवादित बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकियों को पुलिसकर्मियों व SPO समेत कई निर्दोषों की हत्या नहीं करनी चाहिए बल्कि भ्रष्ट राजनेताओं व ब्यूरोक्रेट को मारना चाहिए जिन्होंने वर्षों तक उनके राज्य को लूटा है। राज्यपाल रविवार को कारगिल लद्दाख पर्यटन महोत्सव में ये सब बोल रहे थे। वहीं राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों की हत्या वाले बयान पर आज सोमवार को सफाई देते हुए कहा कि राज्यपाल होने के नाते मुझे ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी लेकिन मेरा व्यक्तिगत भावना ही ऐसी थी। जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और नियंत्रण रेखा यानी कि LOC पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान सेना की ओर से आज सोमवार राजौरी और पुंछ में फायरिंग की गई। वहीं अखनूर सेक्टर में पाक की ओर से गोलाबारी की गई जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया। PDP के पूर्व नईम अख्तर ने मंत्री रहने के दौरान ठेका आवंटन में की गई कथित गड़बड़ियों के संबंध में क्राइम ब्रांच ने आज उनसे पूछताछ की। आरोप है कि जम्मू कश्मीर की परियोजना निर्माण निगम JKPPC के लिए ठेकों के आवंटन में लोक निर्माण मंत्री रहते हुए उन्होंने अनियमितता की। अधिकारियों ने बताया कि अख्तर ने JKPPC के मामलों में कुछ खास ठेकेदारों को दिए जाने के प्रक्रियाओं का पालन बगैर कुछ नियुक्तियों करने के बारे में आवास पर उनसे पूछताछ की गई है। भारतीय सेना के साथ ट्रेनिंग के लिए MS धोनी की अपील को सेना प्रमुख विपिन रावत ने मंजूर कर दिया है। धोनी पैराशूट रेजिमेंट बटालियन के साथ ट्रेनिंग लेंगे। परीक्षण का कुछ हिस्सा जम्मू कश्मीर में भी होने की उम्मीद है। हालांकि सेना धोनी को किसी भी सक्रिय ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनाएगी। 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को पाकिस्तान उपवासियों को संबोधित किया। वाशिंगटन में इमरान खान ने कहा कि करप्शन के कारण पाकिस्तान पिछड़ा हुआ है। अपने पूरे भाषण में इमरान खान ने ना तो भारत का जिक्र किया और ना ही आतंकवाद का। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय जेम ऑप्टिशन एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज, नई बस्ती जम्मू, नरेंद्रा सन एंटरप्राइजेज, रेजिडेंसी रोड जम्मू, कृष्णा डायग्नोस्टिक लैब कमिटेड टू प्रूव क्वालिटी पेशेंट केयर एंड डायग्नोसिस अंडर वन रूफ, 51/9 त्रिकुटा नगर नियर पुलिस स्टेशन, पूरी एक्सक्लूसिव वुमेन डिजाइनर सूट साड़ीज लहंगाज एंड ब्राइडल गाउन्स, गणेश दया नर्सिंग होम तलापतिलो रोड बिहाइंड पेट्रोल पंप पक्का गराज जम्मू, फ्रेंड्स टॉयज विजिट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ टॉयज फॉर ऑल एज ग्रुप, संजय नगर जम्मू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। वंदे भारत एक्सप्रेस का आज पहला दिन था। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश के तहत 22 जुलाई यानी आज सोमवार को वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे रवाना हुई। जम्मू रेलवे स्टेशन दोपहर 12:38 पर पहुंची और 2 मिनट रुकने के बाद 12:40 कटरा रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गई। सावन महीने के पहले सोमवार को आज लोगों ने जम्मू शहर के शिव मंदिरों में भगवान शिव के दर्शन किए और उनकी स्तुति कर उनसे अपने परिवार के सुख मंगल की कामना की। क्लस्टर यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ना दिए जाने के मामले को लेकर आज विद्यार्थियों ने डोगरा चौक में यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और अपनी मार्कशीट जलाकर इसके प्रति अपना रोष जताया। इन लोगों का कहना था कि जब उन्हें आगे एडमिशन ही नहीं मिल रही तो इसमें गड़बड़ी की जा रही है और उन्हें इस मार्कशीट या पढ़ाई का अब क्या फ़ायदा। PHE डेली वेजेस कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जम्मू में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इसके प्रति अपना रोष जताया। सरकार से मांग की कि उन्हें जल्द से जल्द पक्का किया जाए और उन्हें जो बकाया वेतन है उन्हें जल्द जारी किया जाए।
पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने किश्तवाड़ में पार्टी के एमएलसी के खिलाफ प्रशासन द्वारा एफआईआर लगाने के मामले को लेकर जम्मू में राज्य प्रशासन के प्रति अपना रोष जताया और मांग की कि अब एफआईआर को वापस लिया जाए, क्योंकि एमएलसी अपने क्षेत्र में लोगों की आवाज़ उठाना चाहते हैं जिन्हें प्रशासन की तरफ से दबाने की कोशिश की जा रही है, जो सरासर नाइंसाफी है। बाउफोर्ट के युवाओं ने केबल कार प्रोजेक्ट को लेकर केबल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन किया और विभाग से मांग की कि बाउफोर्ट के युवाओं को इस प्रोजेक्ट में नौकरी दी जाए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का जब नींव पत्थर रखा गया था तब युवाओं को प्रोजेक्ट में नौकरी देने का वादा भी किया गया था। शिवसेना डोगरा फ्रंट के सदस्यों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का अमेरिकी सरकार द्वारा अपमान किए जाने के मामले को लेकर आज प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना था कि पाकिस्तान बाहर के देशों में कोई कदर नहीं करता, लेकिन फिर भी कश्मीर में अलगावादी तत्व न जाने क्यों पाकिस्तान के गुण गाया करते हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता कर रहे थे। सीपीएम के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक मोहम्मद यूसुफ तारागामी ने आज जम्मू में अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलुओं पर बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग रियासत में अमन व भाईचारा चाहते हैं, जिसकी बड़ी मिसाल ये थी कि जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर जम्मू आना पड़ा था तो जम्मू के लोगों ने उन्हें अपने दिलों में जगह दी थी। उन्होंने कहा कि कश्मीर में भी लोग अब अमन चाहते हैं, लेकिन सिर्फ मुट्ठी भर ही लोग हैं जो अमन शांति नहीं चाहते। समर वेकेशंस के बाद आज से सभी स्कूल खुल गए हैं। स्कूलों में छुट्टियां बीतने के बाद फिर से स्कूलों में रौनक लौट आई है व कामकाज भी शुरू हो गया है। इसी बात को लेकर बच्चों में आज काफ़ी उत्साह देखने को मिला। वन विभाग की तरफ से वन महोत्सव 2019 के तहत जम्मू यूनिवर्सिटी में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज केधर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ करवाया। कार्यक्रम के दौरान यूनिवर्सिटी परिसर में कई तरह के छायादार पौधे लगाए गए। वन विभाग के आला अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित थे। पॉलिटेक्निक कॉलेज जम्मू में आंगनवाड़ी वर्करों को ट्रेनिंग देने के लिए आज से 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम फंक्शनरीज और अवेयरनेस सर्विस स्कीम्स का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी सुपरवाइजर व आंगनवाड़ी वर्कर्स को सेंटर की तरफ से शुरू की स्कीमों के लिए बताया जाएगा कि उन्हें कैसे काम करना है। इसके लिए उन्हें बकायदा ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। जय हिंद, जय भारत।